और डेरिवेटिव्स नहीं आ रहा तुम लोग के स्कूल, बस लिमिट से लिमिट से लिमिट से आ जा रहा है। यस सर, सर डेरिवेटिव्स टर्म 2 में आ रहा है ना सर। मारो यार मारो इनको, ये जो है ना स्कूल वाले दिन मतलब ठीक है भाई। चलो देखो कैसा है ना, व्हाट इज मतलब अपने पर समझते हैं द थिंग इज ना, अभी थोड़ा सा मतलब तो ध्यान समझने का प्रयास करो, ठीक है? जितना समझ में आता है आएगा, मैं लिमिट समझाऊं कि सीधे बता क्या करूंगा, तो समझाने का प्रयास करता है, मैं बता नहीं पाऊंगा वो लिमिट्स क्या होता है और क्यों होता है। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा समझाना पड़ेगा, ठीक है? सुनो, मुझे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ठीक है? बताना मुझे, ठीक है? एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? वन 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 होगी। कब होगी वन? सर जब x नॉट इक्वल टू जीरो, और x इक्वल टू जीरो इज अनडिफाइंड, नॉट इन डोमेन, नॉट डिफाइंड। x इक्वल टू जीरो इज नॉट नॉट इन डोमेन। यहाँ तक चीज क्लियर है? Yes, है ना? तो लिमिट्स क्या होता है ना, किसी भी एक्सप्रेशन का लिमिट्स क्या होता है, किसी भी एक्सप्रेशन का एक टेंडिंग बिहेवियर। जैसे फंक्शन आपने पढ़ा है फिजिक्स में, क्या होता है, इनपुट डालते हो और आउटपुट आता है, ये पढ़ा आपने फिजिक्स में, ठीक है? लिमिट क्या होता है कि उस फंक्शन का उस इनपुट के आसपास का बिहेवियर। मतलब जैसे आप देखो, आप एक बात समझना, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान समझना, ठीक है? fx is equals to, आप समझिए x minus 1, ठीक है? मैं आपसे जब ये लिखूंगा, चलो इस फंक्शन का बिहेवियर मुझे जानना है, इस फंक्शन का बिहेवियर मुझे जानना है when in नेबरहुड, नेबरहुड मतलब आसपास के इनपुट्स, वन के आसपास, वन के आसपास में क्या जानना है मुझे, वन के आसपास में, ठीक है? तो वन पे नहीं जानना है मुझे, ध्यान देना, मुझे वन पे नहीं जानना है, मुझे कहाँ जानना है, वन के आसपास के इनपुट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे वन से कोई मतलब नहीं, आई डोंट केयर व्हाट इज हैपनिंग एट वन, व्हाट डू आई केयर, वन के आसपास, वन माइनस से वन के एंड वन से वन प्लस के बीच में, ये समझ में आता है? वन माइनस से वन का मतलब क्या हुआ, तो मतलब वन के लेफ्ट, वन से छोटी वैल्यू से, है ना? एंड वन से बड़ी वैल्यू में, इन दोनों में इस फंक्शन के आउटपुट को वी ट्राई टू फाइंड, वी ट्राई टू फाइंड द आउटपुट इन दिस इंटरवल्स। ये बात समझ में आती है? यस यस। एक काम करते हैं, आपको हम डाल के दिखाते हैं, देखो क्या हो रहा है, ठीक है? ध्यान देना, मान लो मैं इसमें x का वैल्यू 0.99 डाला, ठीक है? आउटपुट क्या आएगा? -0.0199 डाला, क्या आएगा? -0.0. मैंने और छोटा कर दिया, 0.999999, और कहाँ गया वैल्यू, चमक रहा है? यस सर, 0.000 चमक रहा है? यस सर। तो जैसे जैसे तुम एक्स को और कहाँ ले जा रहे हो, वन के पास, के पास। देना, कभी भी वन नहीं ले रहे हो, क्या ले रहे हो, वन के पास, पास, पास। तो उस केस में आउटपुट कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? जीरो के पास, जीरो के पास। ये बात, मेरा वर्ड ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जीरो हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जीरो के पास, पास, पास जाता हुआ दिख रहा है, जीरो के पास, किसके पास, जीरो के, जीरो के पास। ये बात चमकती है? यस सर, चमकती है।
ठीक है, तो अभी तुम x के किस साइड में थे, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड, सॉरी तुम वन के किस साइड में थे, लेफ्ट साइड में कि राइट साइड, लेफ्ट साइड में थे, तुम वन के लेफ्ट साइड में थे, तो आउटपुट कहाँ जा रहा है, जीरो के पास, जीरो के पास। तो जब आउटपुट तुम बता पा रहे हो ना, तुमको कंफ्यूजन है क्या कि जीरो नहीं सर वन भी हो सकता है, ये तुम श्योर हो जीरो के पास जा रहा है? इस वैल्यू की ओर जहां पे आउटपुट जाता हुआ दिखता है, इस वैल्यू की ओर जहां पे आउटपुट जाता हुआ दिखता है, उस वैल्यू को लेफ्ट हैंड लिमिट बोला। क्या बोला? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड की बात क्यों कर रहे हैं हम, व्हाई लेफ्ट हैंड बीइंग टॉक्ड अबाउट, बिकॉज हमारा इनपुट जो है वन से थोड़ा कम के लेफ्ट में, ये बात चमकती है? यस सर। एक्स एफ एक्स, अब ये मानो पॉइंट वन पॉइंट जीरो जीरो वन, बोलो आउटपुट क्या होगा सर? पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन, वन पॉइंट जीरो 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 वन, चमकता है क्या सभी को, है ना? तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम यहाँ पर जब x को कहाँ ले जा रहे हो, वन के पास, राइट साइड से, के पास कहाँ से, राइट साइड, राइट साइड में, कहाँ पे, राइट साइड में, राइट। तो उस मोमेंट पे तुम्हारा आउटपुट कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? जीरो के पास। जीरो के पास आउटपुट जा रहा है, जीरो के पास। कोई कंफ्यूजन है क्या कि नहीं सर आउटपुट माइनस वन जा रहा है? नहीं ना, आउटपुट कहाँ जा रहा है? जीरो के पास जा रहा है जब इनपुट वन के पास जा रहा है, वन के राइट से पास जा रहा है, राइट से पास। तो इस केस में इस वैल्यू को क्या बोलेंगे? राइट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। जब लेफ्ट साइड से जो टेंड, इतना टफ तो आएगा नहीं स्कूल में, पता नहीं क्या है, लेफ्ट साइड से टेंडिंग वैल्यू जो है, लेफ्ट साइड से जो आउटपुट की वैल्यू है, आउटपुट की वैल्यू को क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब बोलेंगे जब ये वैल्यू हमको श्योर दिखे, अगर श्योर नहीं दिखेगा तो नहीं बोलेंगे, अगर श्योर नहीं जाएगा तो क्या बोलेंगे? लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही है, राइट साइड से आउटपुट की वैल्यू इज राइट हैंड लिमिट, साइड से आउटपुट की वैल्यू क्या है? राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों बराबर है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है तो क्या बोलते हैं फंक्शन का लिमिट? लिमिट एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या बोलते हैं फंक्शन का लिमिट? एग्जिस्ट करता करता है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी को समस्या है क्या? नो सर। बोलिए भाई। नो सर। नो सर। जीआईएफ का आइडिया है कुछ लोगों को? आई थिंक सबको ही होगा, नहीं है किसी सर, को? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबको आइडिया है क्या जीआईएफ का? यस सर। यस सर। तो बताइए जरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन जीआईएफ एक्स, जरा एनालाइज करिए इसको, बताइए तो क्या होगा? अगर आप वन के राइट साइड में हो, आप मुझे बताओ वन माइनस पे, वन माइनस पे इसके जीआईएफ की वैल्यू क्या होगी? जीरो। जीरो होगी। यस सर। हैं? और वन प्लस पे जीआईएफ की वैल्यू क्या होगी? वन। वन। दोनों इक्वल हैं? नो सर। नो सर। लिमिट एग्जिस्ट करेगा? नो सर। नो सर। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir.
ए, मैं स्टैट्स क्यों पढ़ा रहा हूँ जोश जोश में? स्टैट्स भी करा रहा है क्या एग्जाम में? ठीक है उसकी जरूरत नहीं इतनी, बस स्टैट्स तो कर सकते ना, वही वो थोड़ा पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ाना है क्या? नहीं ना, हो जाएगा कि हो गया है, कल एग्जाम अभी हो जाएगा बोल रहे हो गया सर, कल होगा एग्जाम। ज्यादा मत चिंता करो 11th के एग्जाम का यार, अभी वैसे भी कल से ऑफलाइन तो अपन कर ही रहे हैं। कल सैटरडे परसों सैटरडे है? कल है। अरे अच्छा कल तू एग्जाम है सुबह? अरे यार अरे कल शाम को कर लेंगे फिर एक क्लास, और संडे को तीन कर लेंगे। मुझे जानते हो क्या लगता है, तुम्हें से बहुत लोग ना ऑनलाइन प्रेफर करने वाले हो। सर हम घर पे ही बैठेंगे, डाउट पूछ लेंगे, मुझे मालूम ऐसे ही होने वाला है। नहीं सर। अरे मुझे मेरे पास आते हैं ना, मतलब 50-50 का रेशियो रहता है, ठीक है ना, उसमें अंतर नहीं पड़ता ना, वो तो अपन हाइब्रिड मोड करेंगे, क्लास में बैठेंगे और क्या। कॉपी कर लिए क्या? यस सर। एक बार ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। तो समस्या ये है ना कि मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे पढ़ाने से सबको मार्क्स आया कि नहीं आएगा, ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं समझाने जा रहा हूँ, तो शायद मिस्टेक है मेरी, आई डोंट नो। समझा नहीं जाता सर। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को आगे बढ़े? यस सर। तो दूसरी चीज क्या होती है? एक होता है एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। क्या होता है एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स? क्या होता है एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स? एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक है। अब जितना तुमको मेरे पिछले 10 मिनट पढ़ाया है ना, उतना मैं तुमको 12th में वापस से पढ़ाऊंगा, इसमें लूंगा 4 घंटे, ठीक है। एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स तो कैसे होता है कि अगर लिमिट, पहले कुछ क्वेश्चन कर ले क्या? सिंपल यस सर। लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स प्लस 3, बताओ क्या होगा आंसर? तुम लोग को आता है आंसर में बताओ, बताओ क्या होगा? 1 प्लस 1 माइनस पे, दोनों साइड से वैल्यू कहां जा रही है? 1 माइनस 1 प्लस से दोनों साइड से वैल्यू कहां जा रही है बताओ? 1 माइनस से 1 प्लस 4 पे सर। एक्स टेंस टू 1 का क्या मतलब है? आप लोग को शर्म आ रही है क्या बेटा? आउटपुट कहाँ जा रहा है? 4 की तरफ जा रहा है ना? यस सर। यस सर। लिमिट क्या होगा? 4। लिमिट एक्स टेंस टू हाफ जी आई एफ 2x, बताओ तो आपको सिग्नम एक्स पढ़ाया था मैंने? यस सर। हाँ बोलो। हाँ भाई पहला वाला, दूसरा वाला बोलिए सर। दूसरे वाले का लिमिट x टेंड्स टू हाफ 1 आ रहा है। कैसे बेटा सर? अगर नहीं, आप समझे नहीं ना, आप हाफ माइनस में बताओ क्या होगा? हाफ माइनस में बोलो और हाफ प्लस में बताओ क्या होगा? सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वजह से। हाफ माइनस पे क्या हो रहा है बताओ? हाफ माइनस पे सो 1 माइनस 2 आ रहा है, तो 1 माइनस आ रहा है ना? यस सर। और 1 माइनस का जीआईएफ क्या होगा? 0। हाफ प्लस पे इनटू 2 करोगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस। 1 प्लस का जीआईएफ क्या आएगा? 1। सिग्नम का बताओ। आपको 0 से कोई मतलब नहीं है, आपने तो 0 प्लस 0 माइनस में क्या वैल्यू होगी बोलो सर? 0 माइनस पे माइनस होना, 0 प्लस पे 1 आएगा। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या? नहीं सर। ये बात चमक रही है? यस सर। अरे गाइस कंफर्टेबल है? हम लोग नहीं कंफर्टेबल है। यस सर। समझा सर। लग नहीं रहा समझे?
तो फिर अपने आप कॉपी करो आप लोग को वो हैबिट है ना इनपुट डालने का सीधा भाई एक बात ध्यान रखना पहले आप कॉपी करो इसलिए मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा था सर आप जरा फिर से समझोगे कि मैंने अभी ज्वाइन किया था समझ नहीं रहा क्या नाम है तुम्हारा सर मंथन मंथन जी किस बैच में है आप बेटा सर एपी वन क्यों लेट है बेटा सर वो मैंने देखा ही नहीं वो ग्रुप पे बहुत अच्छा बेटा बोले कौन सा पार्ट नहीं समझ रहा आपको सर वो ये आपने फर्स्ट में वो वन माइनस क्या किया वो नहीं समझा अरे हेलो हेलो अरे बड़े बदतमीज हो भाई तुमको सुबह भी कॉल किए थे और तुम वापस कॉल बैक नहीं किए बेटा क्या है ये हेलो अब ऐसा तुमने कॉग्निटिव साइंस पकड़ा ना चलो अच्छा है हाँ तो होता ही है होता ही है होता ही है अच्छा अच्छा चल ठीक है समझा बोला समझाने का हाँ भाई अरे मैं क्या करूँ इसमें फिर आपको आप मैं क्या कह रहा हूँ जब एक्स देखो हेलो समझा उसको मेरे को नहीं पता क्या मैं बोलता हूँ इसलिए कली कली पूरा फुल किया है बोलते तो आधा निकल गया माइक चालू है हाँ भाई तो जब आपका वन माइनस डेल्टा से वन लिखा है इसका मतलब ये होता है कि वन से छोटी वैल्यू मतलब 0.99 अब 0.9999 0.9999 ये वैल्यू डालते रहो तो आउटपुट कहाँ जाता हुआ दिख रहा है नहीं समझा हाँ सर अरे ये क्लियर है क्या हाँ सर यस सर उतना टफ आता नहीं आपके स्लर्स में ठीक है आपके स्लर्स में आते हैं मैं फालतू में समझाने जाऊंगा बहुत टाइम जाएगा ठीक है लेट्स कम टू टाइम काम का चीज देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है का मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आएगा और जी एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स काफी काम की होती है आपके लिए आप ध्यान दीजिए तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स को आप क्या लिख सकते हो एफ प्लस जी एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स है ना यस प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स जी एक्स दूसरा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या होगा By limit x tends to a gx है ना ये डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी अगेन एक बात ध्यान रखना ये डिस्ट्रीब्यूशन को करने में कि लिमिट x tends to a gx this shall not be equal to zero ये क्या नहीं होगा जीरो अगर जीरो हो गया तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा नहीं होगा इतनी बात चमकती है लिमिट x टेंड्स टू a k into fx k बाहर आ जाएगा यस सर x टेंड्स टू a fx ये चार चीजें हैं ये सब कब एग्जिस्ट करेगा सब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और जो डिनोमिनेटर वाला है वो कब करेगा जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो है जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो है
ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। अरे सभी को एक सिंपल चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि yes, sir. अगर तुमको ये क्लियर है तो लिमिट का कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज है ये और काफी टफ चीज है। लिमिट कभी भी पार्शियली इवैल्यूएट नहीं करते हैं, लिमिट हमेशा एक बार में एक साथ इवैल्यूएट करते हैं, सब कुछ पे एक साथ लिमिट डालते हैं। डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट कब नहीं कर सकते हो? जब डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो होगा। जब ना 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 जब डिनोमिनेटर का लिमिट इक्वल टू जीरो होगा तब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। नहीं होगा, ये बात चमकती है क्या सभी को? यस कॉपी करेंगे सब लोग। सर कल से ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है क्या? हाँ कल से, एक्चुअली कोटा ने परमिशन नहीं दी बिकॉज़ अभी शायद मतलब एक्चुअली कैसा है ना कि बॉम्बे मैंने पढ़ता नहीं, मतलब जो कोचिंग वाले हैं ना शिफ्ट अपना हुआ पेस हुआ ये लोगों को मतलब परमिशन मिल नहीं रही अपने को, तो अपन कल से मतलब एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करेंगे, मतलब तो मतलब हाइब्रिड मोड में रखेंगे, जिन बच्चों को आना है आ सकते हैं और वैसा भी करेंगे। हर बैच मान लो 25 बच्चे हैं, अपने पास 5 बैच है ना, तो 25 बच्चे हैं उसमें से कैसा रहेगा कि पांच 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 बच्चे करके हर बैच के, तो वैसे करेंगे अपन कुछ, तो ऐसा करेंगे। सर विरार का भी खुल गया क्या? विरार बैच का? हाँ हाँ विरार तो खुल चुका है। AV1, तुम AV1 में हो, किस बैच में हो? BV1 सर। हाँ BV1 का भी, BV1 का, हाँ BV1 का अभी जो क्वालिटी खत्म हो जाएगा ना मेरा, तो फिर आयुष सर कंटिन्यू कर लेंगे वहां पे। AV1 तो हो ही गया है ना ऑफलाइन? सर शायद नहीं हुआ है। नहीं नहीं हो गया है, AV1 का रोज मैसेज आता है ग्रुप पे, टुडे क्लास इज ऑफलाइन, टुडे क्लास इज ऑफलाइन, क्या बोल रहे हो? AV1 तो हो चुका है तुम्हारा ऑफलाइन। सर अंधेरी बैच का? अंधेरी और बोरीवली में प्रॉब्लम है, वहां पे बिना परमिशन के रिस्की है भाई, वहां पे नहीं खुलेगा। अभी हम लोग फॉर्म भरवा रहे हैं और वो फॉर्म हम लोग फिर वहां के रिस्पेक्टिव विरार, कैसा है ना विरार गाँव पड़ता है, ठीक है, किसी को अंतर नहीं पड़ता है। अभी पनवेल बिना गाँव से शहर बन गया, बड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो अंधेरी और बोरेली एक ऐसा है कि मतलब वी आर ट्राइंग कि मतलब एटलीस्ट खोल, एटलीस्ट ऑफलाइन डाउट शुरू कर पाए। तो वो खुलेगा भी तो डाउट इस क्लास ही रहेगा ना, सिर्फ लेक्चर ऑनलाइन? नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं, अगर खुलेगा तो क्लास होगी भाई। ओके सर। खुलेगा तो क्लास। अच्छा गेट बैच का तुम्हारे यहाँ तो भैया परेरा से बात करो खतरनाक प्रिंसिपल है भाई तुम्हारा, जय हिंद का, ठीक है? पहले तुम लोग का ही सेटलमेंट कर दे, वो तुम्हारे ऑफलाइन डाउट नेक्स्ट वीक से ही मोस्टली शुरू हो जाएगा। नहीं मालूम, अरे क्लियर है क्या इतना? यस सर। वो डिनोमिनेटर वाला बताओ ना वापस। देखो होता क्या है, 12th का बेस्ट है ना, वो लोग भी ऑफलाइन डाउट रखो सर, ठीक है? अगस्त से मैंने ऑफलाइन डाउट शुरू किया, ठीक है? मतलब शुरू में 10 बच्चे आए, धीरे धीरे अरे सर हम मोबाइल पे व्हाट्सएप पे फोन करिए पूछ लेंगे, वो एक दिक्कत हो जाती है। हाँ क्या बोलो? ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट इसको ऐसा लिख सकते हो, कब लिख सकते हो? अरे ऑब्वियस ही बात है ना, अगर नीचे में कोई चीज जीरो हो जाएगी तो जीरो से थोड़ा डिवाइड कर सकते हो, अगर नीचे में कोई चीज जीरो हो जाएगी तो जीरो से डिवाइड कर सकते हैं? नो सर। खत्म बात ना, नीचे में जीरो बन सकता है क्या कभी भी? नहीं सर। अरे दोस्त नीचे में कभी जीरो बन सकता है क्या? नहीं सर। अरे कॉन्फिडेंटली बोलो ना, नहीं बनेगा नीचे में जीरो, जीरो में बनेगा क्या नीचे में? नहीं सर बनेगा सर। क्या हो गया शुभ, जीरो बनेगा नीचे में बेटा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तुम क्लियर नहीं हो, कंफ्यूज हो ना, तो ठीक है। अरे इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है ध्यान देना, पहले आते हैं पॉलीनोमियल के केस में।
लिमिट x टेंड्स टू a, और ज्यादा मत कंफ्यूज हो, 11th में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, 11th में दो महीने एक महीने पढ़ते हैं, मतलब ये बस कल के थोड़े एक दो क्वेश्चन बन जाए इसलिए कर लो। लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n, ठीक है, क्या होगा बोलो, रुको पहले और सिंपल कर लेते हैं, ठीक है, आप ध्यान देना, लिमिट x टेंड्स टू a और k, बोलो क्या होगा, k होगा सर, k, k होगा ना यार, लिमिट x टेंड्स टू a, कोई a भी वन से नहीं आया क्या बच्चा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू a क्या होगा, x, बोलो क्या होगा लिमिट, बताओ, a होगा सर, a होगा, लिमिट x चेंज टू a x क्यूब, बोलो क्या होगा, a क्यूब, a क्यूब, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना इसको, कैसे, x चेंज टू a x, लिमिट x चेंज टू a x, लिमिट x चेंज टू a x, अब सभी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, यस सर, a a क्या आ गया, A क्यूब, समझे क्या, तो हमको क्या मालूम चला यहाँ से, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n, बोलो क्या होगा, a की पावर n, ये बात चमकती है, यस, फिफ्थ पे आते हैं, बताना आप मुझे सोच के, तो लिमिट x टेंड्स टू a a x की पावर n, ए एक्स की पावर एन प्लस ए टू एक्स की पावर ए की पावर एन एक्स की पावर एन प्लस अरे यहां तक क्लियर है क्या सर, यहां तक क्लियर है, लिमिट एक्स चेंज टू ए, मुझे बताओ एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर, बताओ क्या होगा, ध्यान देना, लिमिट एलजेब्रा ऑफ लिमिट, सुनो तो एलजेब्रा ऑफ लिमिट, सुनो तो, एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ तक क्लियर है, यस सर, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ए क्यूब बन जाएगा, yes. और यहाँ पे ये फाइव बाहर आ जाएगा ना, यस यस सर, और एक स्क्वायर बन जाएगा, चमक रहा है, हाँ सर, मान लो ऐसे ही x टेंड्स टू a, a n x की पावर n, a n माइनस वन x की पावर n माइनस वन, और a नॉट है ना, क्या आएगा बताओ, a की पावर a n माइनस वन, a की, चमक रहा है, यस माइनस वन प्लस a नॉट, समझा, तो क्या मालूम चला, लिमिट x टेंड्स टू a px, अगर कोई पॉलोमियल है वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, p of a, अब एक कॉमन सेंस की बात है ना, तुम अपने मन में ढेर सारा एक्सप्रेशन लो और सोचो ना, हम लोग x प्लस टू लिए थे और x को वन के आजू बाजू डाल रहे थे, तो वैल्यू कहाँ आ रही थी, थ्री के आजू बाजू आ रही थी ना, यस सर, तो वैल्यू जाते हुए कहाँ दिख रही थी, थ्री पे ना, यस सर, सर बोलो सर, आपने जो लास्ट में जो लिखा है ना, लिमिट ऑफ पी एफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ ए, सर वो वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना, ऊपर जो लिखा है वही तो है, देखो ना ये तो लिखा है, मैं देखो ना यहाँ पर तुमने जब लिमिट लगाया इस पे तो क्या आंसर आया, यही आया ना आंसर, हाँ सर, और ये क्या है, ये पी ऑफ ए ही तो है, हाँ सर, ओके सर, अरे समझे क्या बेटा यहाँ तक, यस सर, कॉपी कर ली है, यस सर, एक सेकंड,
हाँ डन सर कॉपी हो गया डन सर ठीक है अब देखो अपन ने थोड़ा समझते हैं पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू टू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस टू बोलो क्या होगा सर वन होगा बताओ क्यों कैंसिल हो गया ना yes, कैंसिल क्यों कर सकते हैं वाई कैंसिलेशन अलाउड वाई कैंसिल वाई कैंसिलेशन अलाउड बताओ सर बिकॉज एक्स माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि एक्स माइनस टू जीरो नहीं है तो दोनों इक्वल होंगे ना ऊपर नीचे वाले दोनों एक्स माइनस टू जीरो क्यों नहीं है डिनोमिनेटर जीरो को जाएगा नहीं 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 ना 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 एक्स माइनस टू कभी भी जीरो नहीं है क्योंकि एक्स टेंड्स टू टू डाल ही नहीं रहे हम तो टू डाल ही नहीं रहे हम क्या डाल रहे हैं तो आसपास में तो वैल्यू हमेशा कैसी हो रही है वैल्यू हमेशा ऊपर और नीचे की वैल्यू क्या हो रही है हमेशा जीरो के आसपास हो रही है ये बात चमकती है यस सर अरे ये बात चमकती है क्या तो आप टर्म को इवेल्युएट कर कब नहीं कर पाते हो अभी देखो मुझसे मान लो ये क्वेश्चन आपको सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ ठीक है एक्स टेंड्स टू जीरो ध्यान देना एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स क्यूब ठीक है अब मुझे बताओ इसमें आपने पहले आपने एक काम करो पहले आप लिमिट का फॉर्म निकाल लो लिमिट का फॉर्म क्या होता है अब वो पढ़ाने जाऊंगा मैं तो और दो घंटा लग जाएगा लिमिट का फॉर्म कुछ नहीं होता है जो भी लिमिट वेरिएबल होता है ना उसको डाल के देखा जाता है कि आउटपुट क्या आ रहा है बताओ आउटपुट क्या आ रहा है सर जीरो बाई जीरो आ रहा है जीरो बाई जीरो आ रहा है लेकिन आप ध्यान देना ना ऊपर पर ये पर ऊपर जो जीरो है ये परफेक्ट जीरो है क्या नहीं ना नहीं सर परफेक्ट जीरो है क्या सर परफेक्ट नहीं है क्यों नहीं है सर क्योंकि वो जीरो के आसपास आ रहे हैं एग्जैक्ट जीरो नहीं है ये क्लियर है क्या यस सर यस सर लेकिन फिर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बता रहे हैं ना बता रहे हैं सर उसमें कुछ कॉमन है सर बता रहे हैं सुनो अब तो कैसा है अच्छा मुझे एक चीज बताओ 10 की पावर माइनस 100 मैं नहीं जाऊंगा छोड़ने तुम जाओ ये क्लास चल रही है हाँ ऑटो ले लो ना दे दो 30 रुपए का 10 की पावर माइनस 100 बाई 10 की पावर माइनस 100 क्या होगा 1 होगा 1 वन होगा ना यस सर तो लिमिट इस चीज की स्टडी है ध्यान दो लिमिट इस चीज की स्टडी है कि कौन सा जीरो बड़ा है ऊपर का जीरो बड़ा है कि नीचे का जीरो बड़ा है नहीं समझे ना 10 टू द पावर माइनस 100 बहुत छोटा है यस यस सर किसके रिस्पेक्ट में किसके रिस्पेक्ट में अभी मान लो मैंने नीचे में ये दे दिया
अब बताओ इस टर्म की वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी होगी बहुत बड़ी होगी? बहुत बड़ी, बहुत बड़ी होगी, बहुत बड़ी। तो क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी। अगर यही चीज दोनों क्वांटिटी छोटी है, लेकिन अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? बहुत छोटी, बहुत छोटी, बहुत छोटी होगी, छोटी होगी, जीरो। मतलब जीरो की तरफ जा रहा है ना वैल्यू? यस सर, यस यस। ये बात चमक रही है? तो देखो कैसा है ना कि प्रॉब्लम ये है ना बेटा कि मैं ना बार बार ना डिटेल में घुस जा रहा हूँ, बिकॉज मुझे ना ऐसे लिमिट्स, मतलब आप लोग इतना परेशान थे ना इसलिए। मैं क्या करो, सुनो 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 सुनो, एक काम करो, तो ऊपर नीचे जीरो जीरो बन रहा है ना? यस सर। तो जिसकी जिन जिन टर्म की वजह से जीरो बन रहा है ना उसको गायब करो। और क्यों गायब कर सकते हैं ये बताओ? क्योंकि वो नॉट इक्वल टू जीरो है। क्योंकि नॉट इक्वल, ये बात चमकती है बेटा सभी को? यस सर। हां सर। तो क्या होगा बेटा, ये गायब हो गया? अरे हाँ है ना? यस सर। सर आप ये वाला पार्ट रिपीट कर सकते हो? मतलब उसको गायब क्यों कर सकते? ठीक है। अच्छा पहले बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्यों वैलिड नहीं है? मैं सीधा इसको ऐसा ऐसा क्यों नहीं लिख सकता हूँ बताओ? तो ये बताइए पहले भाई, इज रॉन्ग? जीरो आ जाएगा ना फिर भाई? भाई हाँ बोलो सही। नॉट डिनोमिनेटर टेंड्स टू जीरो, या बिकॉज ना बिकॉज लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर, लिमिट ऑफ डिनोमिनेटर जीरो है, जीरो है, इसलिए वी कैन नॉट अप्लाई अलजेब्रा, वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट, वी कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द लिमिट। अभी तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे में जो कॉमन टर्म है ना उसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, यहाँ तक सही है? यस सर। अब डाउट पूछा था, मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर काट सकता हूँ, क्यों काट सकता हूँ? दोनों बराबर है इसलिए काट सकता हूँ। yes, क्या चीज कैंसिल नहीं हो सकती है दुनिया में? जीरो। जीरो कैंसिल नहीं हो सकता है, लेकिन क्या एक्स स्क्वायर कभी भी जीरो है? नो सर। क्यों जीरो नहीं है? जीरो नहीं है, एक्स हमेशा क्या है? जीरो के आसपास है। अरे भाई साहब यहाँ तक चमका क्या? यस सर। अभी क्या लिखा देखो, तो वन बाई वन प्लस फाइव एक्स। अभी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या? यस सर। कर सकते हैं बताओ, क्योंकि अब डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, लिमिट का डिनोमिनेटर का लिमिट जीरो नहीं है। ये वन आ गया, इसका लिमिट नीचे का लिमिट कितना आ गया? पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल लिमिट कैसे निकाल सकते हैं? सीधा वैल्यू डाल के, वैल्यू डाल के आ जाएगा वन प्लस जीरो। क्या आ गया आंसर? वन। तुम अगर ये समझ जाओगे तो मेरे ख्याल से स्कूल के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। आप ये समझ गए कि पॉलिनोमियल का लिमिट निकालना है तो सीधा आप उसी में वैल्यू डाल सकते हैं, राइट? अगर रैशनल फंक्शन, अभी आप रैशनल फंक्शन क्या होता है? ऊपर और नीचे लिमिट लिमिट है ना। हेलो, अरे भाई यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। ये 11th का फिजिक्स का लेक्चर क्या चक्कर है, क्या क्या अपलोड नहीं हो रहा है? कब से अपलोडेड नहीं है लेक्चर? हेलो सर, एपी 3 एपी 4 का तो लास्ट के दो लेक्चर्स अपलोडेड नहीं। एपी 3 एपी 4 का? यस सर। ठीक है, और बाकी कुछ बच्चे 26 अक्टूबर से कह रहे हैं अपलोडेड नहीं है। हेलो, अरे एपी वन एपी टू से कोई नहीं है क्या यहाँ पे? हम लोग के लेक्चर अपलोड हो जाता है। कौन बैच, कौन सर, जीटी सर का भी मैसेज आया है कि यार कोई बच्चे कह रहे हैं कि 26 अक्टूबर से लेक्चर अपलोड, मुझे बताओ तो तब तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा प्रॉब्लम। अजीब लोग हैं, सबके सब लेक्चर अपलोडेड है 11th के फिजिक्स वाले? AP1 का है सर।
सर एपी थ्री के लास्ट के दो लेक्चर्स अपलोडेड नहीं है बस बाकी सारे ओके और स्टार्टिंग के कुछ कुछ मिसिंग है किसके किसके फिजिक्स के एपी थ्री किस तारीख डेट बताओ डेट 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 बताओ 22 अक्टूबर है आप लोग तो शुरू आप लोग तो बहुत दिन से जीटी सर पढ़ा रहे हैं ना आप लोग कैसे मिस नहीं 22 सितंबर में था आप किस बैच में हो एपी थ्री आपको जीटी सर ने कब पढ़ाना शुरू किया है सर एपी थ्री के लेक्चर्स अपलोड होते हैं बट एक दो लेक्चर्स बीच में रह गए बाकी सारे अपलोड हैं हाँ सर कुछ दिन पहले हो गए हाँ सर बहुत पहले के कुछ एक दो लेक्चर्स रह गए होंगे बाकी सारे अपलोडेड हैं हाँ नहीं एपी वन एपी टू के बच्चे कह रहे हैं वो मैसेज रिप्लाई नहीं कर रहे हम क्या करें बोलो चलो ठीक सर एपी वन का केमिस्ट्री का 16 नवंबर का लेक्चर नहीं है बाप रे बाप इतना ज्यादा मार्क करते हो यार तुम लोग यार खतरनाक लोग हो तुम लोग चलो अच्छा है तो आप पहले हमसे क्या चेक करोगे लिमिट का क्या निकालोगे आप लिमिट का सर फॉर्म लिमिट फॉर्म निकालेंगे तो लिमिट का फॉर्म निकालने के पहले हमेशा क्या करेंगे हम लिमिट का फॉर्म निकालेंगे राइट लिमिट का फॉर्म क्या है बताओ यहाँ पे सर जीरो बाई जीरो है डाल के देखो हाँ सर जीरो बाई जीरो ही है अरे जीरो बाई जीरो है क्या यस सर तो क्यों जीरो बाय जीरो है ऊपर में जीरो किसकी वजह से बन रहा है x माइनस टू x प्लस टू और नीचे में जीरो किसकी वजह से बन रहा है x माइनस टू x माइनस तो ये दोनों ही हमारे तबाही के कारण है ना यस सर लोग हम क्यों कट कर सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज दे आर इक्वल बट दे आर नॉट इक्वल टू जीरो ओके अभी क्या बन गया ये रैशनल फंक्शन रैशनल फंक्शन क्या होता है ऊपर नीचे पॉलिनोमियल अब इसमें लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या बालक यस सर यस सर कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा क्योंकि डिनोमिनेटर भाई साहब जीरो नहीं हो रहा अरे सारी बहनें वो क्लियर है जो क्लास में है यस सर कितना है यस सर माइनस फोर है ना क्लियर है क्या ये यस सर तो भैया मैं बस आपके 11th के एग्जाम के हिसाब से करा रहा हूँ ठीक है समझ गए तो अच्छी बात नहीं समझे तो मेरी कोई गलती नहीं 12th में मैं गारंटी है तो मैं समझा दूंगा इतना क्लियर है क्या यस सर जितना मैंने पढ़ाया है ना अभी तक इतना मैं 12th में कम से कम मेरे 5 से 6 लेक्चर जाते हैं कम से कम यहां तक क्लियर है यस सर बताओ लिमिट का फॉर्म क्या है सर हो गया सर 0/0 आ रहा है 0/0 आ रहा है यस सर तो ऊपर में 0 किसकी वजह से बन रहा है x स्क्वायर और नीचे में x x माइनस 2 x माइनस 2 x तो काट सकते हैं यस सर दे आर नॉट इक्वल टू 0 और अब लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यस सर हाँ सर तो कर सकते हैं बिकॉज़ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का लिमिट जीरो नहीं है चमका क्या यस यस सर माइनस टू होगा माइनस टू हाँ सॉरी अरे सबको क्लियर है क्या यस Yes, sir. ये आगे बढ़े यस सर लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 30-1 बाई x माइनस 1 हाँ भाई बोलो
ये तो भूल गए ना ऊपर का जीरो बाय जीरो का फॉर्म आपको तो जीरो बाय जो तो फॉर्म है बालक हाँ लेकिन भूल गए लोग ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन सिखाया था स्टार्टिंग में एनीवे आप जीपी का सम याद है आपको ये जीपी है कि नहीं है yes, sir. अरे जीपी पढ़ाया है ना सबको किसी का बच्चा है जीपी yes, sir. Yes, sir. सभी बैच का जीपी हुआ जो बच्चे है किसी का जीपी बचा हुआ है अभी तक सर एपी फाइव का नहीं हुआ है बट आता है यार तो मतलब बैच अभी इस वीक से तोड़ूंगा मैं वापस से एपी फाइव में थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा आज लिख के लेते हैं टॉपिक नाइन ठीक है एक काम करो ना एपी वन एपी टू एपी थ्री एपी फोर एपी फाइव सब ने अपना अपना बैच का क्या क्या हुआ बता दो जरा ठीक है ए की पावर एन माइनस बी की पावर हाँ एनीवेज ठीक है तो भाई सिंपल सी बात है जीरो बाय जीरो फॉर्म है ना हाँ सर यस सर तो लॉन्ग डिवाइड कर लो अगर जीपी नहीं भी आती है तो क्या होगा बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है ऐसे इंडक्शन तो पढ़ाया है ना सबके बैच में यस सर इंडक्शन तो इंडक्शन में फॉर्मूला ड्राइव किया था मैंने इसका सम होता है ए आर की पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन ठीक है यस सर है ना और बाय द वे मैंने सिखाया था आपको इसका फैक्टराइजेशन याद होता a माइनस बी इंटू याद आ रहा है सिखाया था यस सर यस सर ठीक है एनीवेज तो इसकी वैल्यू जीपी का सम है ना तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म वन है और कॉमन रेशियो x है और ये बात चमकती है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 30 30 नंबर ऑफ टर्म्स 30 हो गए क्या यस सर हां अरे 1 से लेके 29 तक है ना इससे भी कर सकते हो याद है आपको याद करो ना ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन को मैंने सिखाया था भूल गया आप लोग बिल्कुल क्या सिखाया था याद करो ए माइनस बी इंटू ए पावर एन माइनस वन बिल्कुल याद नहीं है पावर बी पावर एन माइनस और ये सब सारे बैच को सिखाया था ना मैंने याद आ रहा है यस सर एक्स की पावर 30 तभी तो सिखाया था कि बाद में सब काम आएगा मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो एक्स माइनस वन इंटू एक्स की पावर 29 अब टिल वन जाएगा बेटा नीचे में क्या आएगा एक्स माइनस वन और ये कट गया ना वापस से कितना आंसर आ जाएगा 30 अरे इतना क्लियर है क्या यस सर यस सर कॉपी करिए हो गया सर कॉपी कर लिए सब लोग एक सेकंड यस सर हाँ हो गया सर बताओ लिमिट का फॉर्म क्या है आप तो लिमिट का फॉर्म को नहीं बता पा जीरो बाय जीरो है सर आप तो बता क्यों नहीं पा रहे डालो ना ऊपर में वन और नीचे में वन क्या आया जीरो बाय जीरो आया ना यस सर तो नीचे में जीरो किसकी वजह से बन रहा है एक्स माइनस वन की वजह से माइनस वन में जीरो किसकी वजह से बन रहा है पता नहीं चल रहा राइट हाँ सर रैशनलाइज कर देते ऊपर में रैशनलाइज कर दिया मालूम चला किसकी वजह से बन रहा था ऊपर में जीरो यस सर तो किसकी वजह से बन रहा था जीरो एक्स माइनस वन के वन के वजह से बन रहा था एक्स माइनस माइनस यहाँ तक क्लियर है यस ये और एक कट जाएगा है ना कितना आंसर आ गया बताओ सर वन बाय फोर आ रहा
ये बात चमकी क्या? यस सर। यस सर। अरे सभी लोगों को क्लियर है? यस सर। बोलो भाई। हाँ सर। ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करो, इतना सिखाया उससे अभी तक। ओके सर। कॉपी कर लिए? नहीं, सॉल्व हो गया क्या? हाँ सर, हो गया। तो काफी ध्यान देते हो भाई अंशु स्कूल में, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से बन रहे हैं लिमिट्स के। तुमने स्कूल में काफी ध्यान दिया है ना? उतनी ध्यान हमारी पढ़ाई पे देते हो बेटा? हाँ सर। नहीं बेटा, कम देते हो। आप ये समझ नहीं रहे हो कि टॉपिक इलेवन में आप दो क्वेश्चन स्कूल में कर लोगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, टीचर भूल जाएगा आपको तीन साल बाद, एक साल में। ठीक है, लिमिट का फॉर्म क्या है बताओ? बाकी लोग बताइए लिमिट का फॉर्म क्या है। जीरो बाय जीरो। जीरो बाय जीरो। ऊपर का जीरो किसकी वजह से बन रहा है? एक्स की वजह से। नीचे का जीरो नहीं पालन चल रहा। रैशनलाइज कर दे। रैशनलाइज कर दे माइनस वन सर, वन वन कट हो जाएगा। ये काट सकते हैं ना? क्यों काट सकते हैं? सेम है ऊपर नीचे, सेम ऊपर नीचे, सेम है ना? आंसर कितना आ जाएगा? टू आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। सेकंड क्वेश्चन, हाँ भाई बताओ। जीरो बाय जीरो। I would like to know कैसे किया गया है क्वेश्चन, बताओ किसने किया, बताओ कैसे किया। डिनोमिनेटर में प्लस वन माइनस वन लिख सकते हैं, उससे क्या होगा? डिनोमिनेटर में प्लस वन माइनस वन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसे तो x प्लस वन को ब्रैकेट में ले लेंगे और माइनस वन, तो वो फॉर्म आ जाएगा लिमिट ऑफ। कौन सा फॉर्म? A raised to n minus b raised to n.
अभी एक क्वेश्चन किया था पहले उस वैसे हाँ तो सीधा अपन करे ना x की पावर x प्लस वन की पावर फाइव है ना लगा दो ना पास्कल ट्रायंगल क्या होगा एक्सपेंशन बहुत लंबा प्रश्न नहीं रे क्या होगा एक्सपेंशन x की पावर फाइव x की पावर फाइव x पावर फोर फाइव x प्लस टेन x टेन x क्यू प्लस टेन x टेन x स्क्वायर प्लस फाइव x क्या लंबा पड़ा लेकिन वो करेक्ट नहीं है ना फिर x की पावर 15 आ गया तो उसे क्या वो तो गलत है हाँ बता रहे हैं ना आप कट जाएगा नहीं सारा yes. सर x कॉमन लेंगे और फिर जीरो डाल देंगे x की पावर 4 प्लस करेक्ट नहीं है करेक्ट नहीं है नहीं बोल सकते हो ना बेटा है ना क्या आएगा 10x प्लस 10x है ना आंसर क्या आएगा फाइनली ये सब जीरो हो जाएगा ना यस सर आंसर पाई आएगा आंसर क्या आएगा 5 चमका तो तुम जो कह रहे थे करेक्ट नहीं है और तुम्हारा करेक्टनेस सही किया जाए फिर x प्लस 1 की पावर n लिखा मैं तो और फिर भी मैं कहता हूं मैं सॉल्व कर सकता हूं इस तरीके से बताओ कैसे एक्सपेंशन बोलो क्या होगा x की पावर n प्लस n c 1 x पावर n माइनस 1 प्लस प्लस 1 प्लस 1 और 1 के पहले क्या होगा n c n n c है ना और इससे पहले क्या होगा एन सी एन माइनस वन और वहां पे एक्स स्क्वायर होगा है ना यहाँ पे एक्स होगा राइट सर अब क्या होगा यहाँ माइनस वन है और यहाँ पे एक्स है राइट यस सर वन वन कट जाएगा यस अरे हाँ हाँ सर यस सर अरे ये वन वन सॉरी ये वन कौन सा वन लिख दिया मैंने अरे भाई ये वही तो वन था क्या किया मैंने सॉरी ये वन तो वो वन है ना ये और वही कट गया ना है ना और सब में से एक्स आ कट गया तो फाइनली क्या बचा मेरे पास एन सी नॉट एक्स की पावर एन माइनस वन से लेके सब में एक्स रहेगा बस इस टर्म में एक्स नहीं रहेगा ये सब में डाल लोगे वैल्यू क्या जीरो हो जाएगी ना फाइनली आंसर क्या आ गया एन सी एन माइनस वन हाउ मच एन एन चमका यस भाई जो बोल रहे थे बच्चे आपको क्लियर है क्या यस सर यस सर यस सर तो आपको कैसे भी कॉमन फैक्टर काटना है ठीक है अरे ये क्लियर है क्या यस सर यस सर वो इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग कह रहे थे x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 बाई x प्लस 1 माइनस 1 लिमिट x टेंस टू 0 है ना अबे जीपी की फील आती है ना ऊपर नीचे यस सर भाई अभी आपको बताया ना एक ही पावर एन का एक्सपेंशन वाला sir. एक काम करो एक्स प्लस वन को थोड़ी देर के लिए टी ले लो तो क्या लिखा है बताओ टी की पावर फाइव माइनस वन टी माइनस वन लिमिट टी टेंस टू जीरो वन ना वन टेंस टू जीरो है तो टी टेंस टू वन हो जाएगा ना यस सर अभी बताया ना टी माइनस वन इंटू टी की पावर फोर प्लस चमक रहा है यस सर अरे क्लियर है क्या यस सर यस सर बोलिए भाई
डन सर। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। कॉपी हो गया? हाँ सर। तो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको चाहो तो यूज कर सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n बाय x माइनस a। ये क्या होता है? n a n माइनस वन। ये बात चमक रही है क्या? यस। इसका yes, इसका प्रूफ वही हो जाएगा कि x की पावर n माइनस a की पावर n को क्या लिख सकते हो? x माइनस a x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n माइनस 2 a प्लस डॉट 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 a टू द पावर बट n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n बाय माइनस a माइनस a, है ना? समझा गया? यस सर। अभी ऊपर तो पॉलीनोमियल बच गया ना बस। yes, तो डाल देंगे वैल्यू तो क्या हो रहा है? देखो a की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n माइनस 2 इनटू a, है ना? यस सर। फिर a की पावर n माइनस 1 कितनी बार बना है? a की पावर n माइनस 1 n बार बना है ना बेटा? यस सर। अरे ये बात चमकी क्या? यस सर। यस सर। अच्छा मैंने एक और क्वेश्चन दिया था, छूट गया ना वो? हां सर। क्या था क्वेश्चन बताओ? इसको कर सकते हैं ना, ऊपर लगा दो क्या होगा बोलो? x माइनस 1 इंटू x पावर 14 प्लस x पावर 13 टिल। अरे ये चमक रहा है क्या सर? यस सर। में x माइनस 1 x माइनस पावर 9 प्लस x पावर 8 टिल 1। ऊपर में क्या होगा? 15 और नीचे में क्या होगा? 10। हो गया आंसर 3/2। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इसी को आप इसी सर से एक डाउट है इसमें, रुक जाओ। इस वाले फॉर्मूले को बोलते हैं एलजेब्रिक लिमिट। क्या बोलते हैं? एलजेब्रिक लिमिट। इसको भी लगा के कर सकते हैं। अब तुम्हारा डाउट पे आ रहे हैं, फिर तुम डाउट बोलो, मैं लिख रहा हूँ, बोलो। सर जो x रेस टू 15 है और नीचे x रेस टू 10 है, तो 10 को अगर हमने n लिया तो न्यूमरेटर में x रेस टू वही कर रहे हैं। ये अलग अलग लिमिट दे दी ना? यस सर। ऊपर लिमिट क्या होगा? 15 हो जाएगा, 15 इंटू 1 की पावर 14, और नीचे में क्या होगा? 10 इंटू 1 की पावर 9 हो गया, 15 बाय 10 और 1 की पावर 9। और इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। यही जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन देखो, जो मैंने पिछले पेपर में सॉल्व किया था, एक लिमिट x चेंज टू 0 था ना, एक मान लो ऐसे ये क्वेश्चन है 1 प्लस x माइनस 1 बाई x, लिमिट फॉर्म क्या है? 0/0। रैशनलाइज करके करना आता है ना अब तो? यस सर। इसको अपन कैसे कर सकते हैं बताओ, एक और तरीके से? 1 प्लस x की पावर हाफ और माइनस 1 और नीचे में 1 प्लस x माइनस 1, है ना? लिमिट क्या लिखे हो? x टेंड टू 0 लिखे हो ना, बोलो हाँ या ना? सर। अगर 1 प्लस x को t ले ले बेटा, तो क्या लिखा है बताइए? तो लिमिट t टेंड्स टू 1। क्या लिखा है बेटा? t की पावर हाफ माइनस 1 बाय t माइनस 1। क्या होगा उत्तर इसका बेटा? हाफ इनटू
वन की पावर माइनस हाफ क्या आंसर आ गया बेटा? चमका क्या? यस सर। क्लियर है क्या इतना? यस सर। अरे हाँ ना? यस सर। यस सर। एक और फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, ठीक है, उसको फॉर्मूले की तरह ही यूज करना और ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब उसका प्रूफ करूंगा टाइम खराब होगा, मतलब भी बनता है। लिमिट साइन एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan x by x 1 होता है। ये आपको टफ लग रहा होगा सोच देखने में, आपस मान लो होता है। आप ये ध्यान दो कि यहां पर जो जीरो है ना, जो वैल्यू ऑफ जीरो यहां पर है वही वैल्यू ऑफ जीरो यहां पर है, तो लिमिट का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 1। ये बात चमक सकती है अच्छे से तुमको? यस सर। मैं सीधे जो फॉर्मूला दिया इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। कहां प्रूफ करने जा रहा है बोलो? ये बताओ, लिमिट साइन 3x बाई x क्या होगा इसका आंसर? 3 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लगा देंगे। इसका लिमिट कितना है? 1 है ना? यस सर। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 क्या आ गया आंसर? 3। चमका क्या? यस सर। ये देखो, लिमिट x चेंज टू 0 साइन ऑफ tan x, फालतू में कंफ्यूज मत हो खुद को, ठीक है? और यहाँ बताओ x, बोलो क्या होगा, कैसे करें? tan x साइन के अंदर में जीरो किसकी वजह से बन रहा है? tan x की वजह से। तो वही चीज हमको कहाँ देना पड़ेगा? रेशियो को इवैल्यूएट करने के नीचे। ऊपर में क्या आएगा बोलो? tan x। अब इसका लिमिट अलग से इवैल्यूएटेबल है, इसका लिमिट अलग से इवैल्यूएटेबल है ना, लिमिट डिस्ट्रीब्यूटेबल हो गई। अरे चमक रहा है क्या? लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई 2 बाई x बताओ तो कितना होगा? क्या हो गया? साइन के अंदर में 0 किसकी वजह से बन रहा है? x बाई 2। तो नीचे में क्या होना पड़ेगा इवैल्यूएट होने के लिए? x बाई 2 होना पड़ेगा। x बाई 2 क्यों नहीं बता रहे हैं आप लोग? इसका लिमिट कितना हो गया? हाफ। 1। क्या हो गया आंसर? हाफ। 1/2। अरे जो साइन के अंदर में जीरो है ना, वही जीरो तुमको चाहिए, समझ रहे हो क्या? यस सर। साइन क्यूब एक्स बाई 2 बाई एक्स क्यूब बताओ तो क्या होगा आंसर? बोलो कैसे करेंगे बताओ? 1/8। हाँ कैसे क्या बता? साइन एक्स बाई 2 है ना सर? हाँ सर। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को? बाई 2 एक्स बाई 2 करना पड़ा है ना सर, और अब क्यूब कर दिया राइट।
तो एक्स्ट्रा क्या बन गया है सिस्टम में? हाफ। ये बात समझ रही है? यस सर। अब इसका लिमिट क्या होगा? 1 1 1। क्या आ गया आंसर? 1/8। अरे टफ नहीं है, समझ में आ रही चीज क्या मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ सर। कैसे? इंडिविजुअल लिख। मैं लिमिट टेक्स टेंस टू जीरो टेन ऑफ साइन एक्स बाय साइन एक्स बाय टू। बोलो लिमिट का फॉर्म क्या है? जीरो बाय जीरो। कोई शक है क्या किसी को? नॉट सर। जिसको जो इवैल्यूएट करना है उसके लिए डाल दो वैल्यू। बोलो क्या होगा? मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। पहले क्या करेंगे? टेन साइन एक्स है ना? यस सर। क्या करेंगे? साइन एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन एक्स। यहाँ पर साइन साइन एक्स। अभी ये तो इवैल्यूएट कर सकते हो? यस सर। साइन एक्स के लिए क्या चाहिए होता है इवैल्यूएट करने के लिए? एक्स चाहिए होता है। चाहिए एक्स दे दिए। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ है? साइन एक्स बाय टू। क्या चाहिए इसके लिए? x by 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। ये बात चमक गई? यस सर। यस सर। अब इसका लिमिट 1। इसका लिमिट 1 1। इसका लिमिट 1 1। इसका लिमिट कितना आ गया आंसर? 2 2। तुम्हें चमक रहा है क्या? यस सर। यस सर। लिमिट x चेंज टू 0 सर 1 माइनस। हां सर, जो ये वाला क्वेश्चन था उसे सर अगर हमने sin x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया होता फिर उससे भी हम आगे कर सकते ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा। कौन सा? हाफ एंगल चेंज करके? यस सर। कर लो ना। हाँ कैसे करेंगे बताओ? लिमिट का फॉर्म क्या है? 0/0 1 माइनस कॉसेस क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। हाँ भाई मीटिंग में देखता हूँ। ठीक है। हाँ 2 sin² x/2। और यहाँ पे क्या होगा? क्या चाहिए? एक्स बाय टू का होल स्क्वायर ना? यस सर। एक्स्ट्रा क्या हो गया बोलो? 1/4। अरे क्लियर है? यस सर। तो क्या हो जाएगा बोलो? ये तो 1 हो जाएगा। यस 1/2 आएगा फाइनली। 1/2। ये बात चमक रही है क्या? यस। तुमको सिंपल सा है, ऊपर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। साइन डब्बा बाय डब्बा 1 है और टेन डब्बा बाय डब्बा 1 1 है। बस तुमको यही अप्लाई करना है। ये बात चमकती, कॉपी करिए इसको। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। कॉपी कर लेना।
बताओ क्या होगा आंसर। डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ना सर, क्या हो जाएगा बोलो? ये कट गया ना सर, कितना आया आंसर? ए प्लस वन। अरे चमक रहा है क्या कुछ भी? यस सर। यस सर। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, बताओ। आप पहले सबको चेंज कर लो, किसमें? सर साइन कॉस में चेंज। साइन कॉस में तो वन बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स बाई साइन एक्स है ना, क्या हो जाएगा? सर टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स बाई sin x by mass process क्या होगा? 2 sin square x by 2 sin square x by और यहाँ पे sin x sin x। अभी चाहो तो जो उसके लिए जो चाहिए दे दो, sin square x by 2 के लिए क्या चाहिए बोलो? sir x by 2 x by 2 का whole square। अरे चमक रहा है क्या किसी को भी? sir yes sir। इतना से एग्जाम में आएगा नहीं, मतलब आई डोंट नो कितना करा रहा हूं मैं। और यहां पर क्या आ गया? x आ गया ना, चमक रहा है? यस सर। इसका लिमिट 1 का लिमिट 1 तो क्या आ गया? देखो तो 2 * 1/1 * 0/4 है ना, क्या आ गया आंसर? 0 सर। अरे चमका क्या? हां सर। यस सर। सर रुको, क्या कह रहा है क्वेश्चन बताओ? कि ए और बी निकालो, कब निकालना है? सर जब एफएक्स एग्जिस्ट, एफएक्स लिमिट एफएक्स एक्स चेंज टू एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वैल्यू किसके बराबर है? एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 मुझे बताओ, एलएच 1 पे एलएचएल कितना है? 1 के पे एलएचएल कितना है? एलएचएल बताओ क्या होगा? एलएचएल एक्स ए प्लस ए बी एक्स स्क्वायर। अरे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ही एलएचएल होगा ना, नहीं भूल गए आप लोग इतना जल्दी? हां सर। यस सर। कितना आएगा? a प्लस b आएगा, a प्लस b। f ऑफ 1 क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, और लिमिट x टेंस टू 1 प्लस क्या आएगा? बाई 1 बाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये सब आपस में इक्वल है। अरे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 प्लस a इज a प्लस b, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है ना, तो 1 प्लस a का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया? 0।
दैट इंप्लाइज बी का वैल्यू कितना आ गया, 1 चमका गया. यस सर. यस सर. अरे क्लियर है क्या? हां सर. यस सर. ठीक है, कॉपी करो, एक और क्वेश्चन करा दें आपको. आपको अगर जीरो के अलावा कोई लिमिट अवेलेबल दिखता है ना, आप सब्स्टिट्यूट कर दिया, अगर आप जीरो बना लो इलेवन से. कॉपी कर लिए? यस सर. सर एक यस सर. सर बोलो. सर कल कितने बजे आना है सेंटर पे? कल तुम्हारा एग्जाम एग्जाम है ना यार, अभी बता रहे हैं, रुक जाओ, शाम तक सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. ओके सर. अरे कॉपी कर लिए? यस सर. यस सर. तो कैसा होता है ना, कई बार लिमिट में चीजें फंस जाती है. लिमिट एक्स टेंड्स टू जैसे पाई बाई टू है, ठीक है, cos x by pi minus 2 है. बताओ लिमिट का फॉर्म क्या है? सर लिमिट का फॉर्म 0/0. हाँ भाई बोलिए. 0/0. कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना. आप हमेशा काम करो, आप हमेशा ना सब्स्टिट्यूट कर दो. क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बोलो? पाई बाई टू माइनस एक्स को टी पुट कर दो तो क्या हो जाएगा? बोलिए. तो अगर अरे भाई तो अरे यार हेलो सर, जैसे तो, जब एक्सटेंड करते पाई तो ये क्या बनेगा? cos पाई बाय 2 माइनस टी बन जाएगा. यस. यहां से 2 बाहर लेंगे तो पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो क्या लिखा हुआ है बोलो? sin t बाय 2t. अच्छा जब x चेंज टू पाई बाय 2 है, जब x चेंज टू पाई बाय 2 है, दैट मोमेंट पे t टेंड्स टू क्या है? जीरो. जीरो. चमक रहा है. तो अगर लिमिट वेरिएबल जीरो नहीं है तो क्या करोगे तुम? 1/2. जब लिमिट वेरिएबल जीरो नहीं है तो क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट कर दिया करो. समझ रहे हो क्या? यस सर. यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? पाई माइनस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट. क्या होगा बोलो? लिमिट जब एक्स पाई की ओर जाएगा तो टी कहां जाएगा? जीरो. जीरो. समझ रहे हो? Yes, अगर लिमिट वेरिएबल तुम्हारा नहीं है तो कल एग्जाम में इससे ज्यादा टफ, इससे ज्यादा नहीं कुछ कठिनाई होने वाली है. इतना क्लियर है क्या? यस सर. हां सर. वन इज क्लियर है. तो सिंपल yes. सी बात सुनो अब. तो एल्जेब्रिकल क्वेश्चन है ना, सबको सिंपलीफाई कर लो, लिमिट का फॉर्म देख लो क्या है, ठीक है, फिर फैक्टराइज कर लो और जीरो और काट कूट दो. ये बात चमकती है. अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है तो sin x by x1 और tan x by x1. बस इससे ज्यादा लिमिट हो सकता नहीं है फिलहाल आपको. इतना क्लियर है क्या? यस सर. यस सर. अभी किसी को कंफ्यूजन है क्या इसमें? नो सर. नो सर. नो सर. ठीक है,
अभी चाहो तो लिमिट्स वाला एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लो और डाउट पूछ लो व्हाट्सएप पे, मैं बैठा हूँ, ठीक है? ओके सर। सर हाँ बोल। ये सैंडविच थ्योरम क्या होता है? आप किस लो, आप कहाँ जॉब पढ़ रही है, तुमको थोड़ी ना स्कूल पूछने वाले हैं। साइनेस में इसको वन जो प्रूफ किया है ना, सैंडविच से प्रूफ करते हैं, आवश्यकता नहीं है ना जानने की आपको, छोड़ो ना, रहने दो, ठीक है? ओके।